The topic is consumer goods. ऐसे goods जो customer use करता है, मैं indirectly बता रहा हूँ, फिर directly आ जाऊँगा. ऐसे goods जो customer use करता है, या कह लो कि ऐसे goods जो final customer, final consumer use करता है, या ऐसे goods जिनका खुद का नाम ही हम कह सकते हैं कि वो final goods हैं, मतलब further modification नहीं होगी. ऐसे प्रोडक्ट जो बन के तैयार हो गया है, किसके यूज़ के लिए, अब लोगों के यूज़ के लिए, कस्टमर के यूज़ के लिए, कंज्यूमर के यूज़ के लिए, उसे मैं क्या बोलूँगा, कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि हमारे घर पे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि घर पे पड़ा हुआ फ्रिज जब बना था, तैयार हो गया था, तो वो क्या था, कंज्यूमर गुड्स. टीवी कंज्यूमर गुड्स, ये शर्ट कंज्यूमर गुड, ये लैपटॉप कंज्यूमर गुड. इट मीन्स जो फाइनल कस्टमर, जो फाइनल कंज्यूमर यूज़ करेगा या उसके यूज के लिए जो बना है प्रोडक्ट, उसे कहेंगे कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कोई मैन्युफैक्चरर यूज नहीं करेगा. मतलब मैन्युफैक्चरर जो गुड्स लेता है वो बेसिकली एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए लेगा, तो ये वो गुड नहीं होना चाहिए. ये गुड फाइनल गुड्स हैं, मतलब उसके बाद इसका जो फाइनल यूज है वही हो रहा है, इंटरमीडिएट यूज इसका नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स. राइट ऐसे ही एक और गुड्स है जिसका नाम है कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स इसके उल्टा, ऐसे गुड्स जो किसी और गुड्स को बनाने के लिए काम आए, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि टूल्स, अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं. मान लीजिए एक बुलडोजर है, बुलडोजर क्या है, एक मशीनरी है, किस क्या बनाने के काम आता है, सड़क बनाने के काम आता है, बिल्डिंग बनाने के काम आता है, तो वो क्या है, वो कैपिटल गुड है. सीमेंट की बोरी, सीमेंट का जो बैग है वो एक कैपिटल गुड है. राइट अल्टीमेटली क्या बनाने के काम आएगा, कोई और नया गुड बनाने के वो काम आ रहा है. राइट तो ऐसा गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आए, या कहो ऐसा गुड्स जो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए काम आए, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स. अंडरस्टूड?